हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा पनीर। और इतनी इजी और डेलिशियस रेसिपी आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया है 2.5 कप राजमा, और इसको मैंने सोक करके रखा है 2-3 घंटे कम से कम। आप इसको 4 घंटे भी रख सकते हैं, आप इसको रात भर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 घंटे इसको सोक करके रखा है। और अब मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ सीटी लगाने के लिए, और ऐड कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा नमक, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के हल्दी। इसको हम बॉईल करेंगे अच्छे से, 3 से 4 सीटी आने तक हम इसको गला लेंगे। जितनी देर तक हमारा राजमा पककर रेडी होता है फ्रेंड्स, उतने हम अपना बाकी चीज़ों की चॉपिंग कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 से 5 सीटी लगने के बाद हमारा राजमा, आइए इसको चेक करते हैं। इसे मैं चेक करूँगी चम्मच से, थोड़ा सा इसको चला लेंगे और चम्मच की हेल्प से इसे बाहर निकाल के, ध्यान रखिए बहुत गर्म होगा। और यहाँ पे राजमा चेक करेंगे हाथों से इसे तोड़कर, देखिए। और ये बिल्कुल परफेक्टली गल चुका है, तो चलिए इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पतीला ले लिया है, और इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है, और इसमें मैं कुछ गरम मसाले डालूंगी, जो कि है 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी हरी इलायची, और 1 टुकड़ा ले लेंगे 2 से 3 तेज़पात के पत्ते, कुछ जीरा, और 1-2 लौंग और 1-2 काली मिर्च। ये इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना प्याज। ये मैंने प्याज ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हम हल्के ब्राउन होने तक पकाएंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा पानी डाल के पीसा है, तो थोड़ा लिक्विड हो गया है। आप 2 टेबलस्पून ले लीजिए। और देखिए, ये भुन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने टमाटर और हरी मिर्च, और इनको भी हम गला लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच सूखा धनिया, और 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच गरम मसाला। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब हमने राजमा को उबालने रखा था तो हमने नमक ऐड किया था, तो यहाँ पे उसी हिसाब से नमक रखेंगे, टेस्ट के हिसाब से आप चेक कर लीजिए। मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है यहाँ पर, और इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे अगर पानी आपको कम लगता है। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको गाढ़ा करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा राजमा निकालेंगे अलग, और उसको मिक्सी में पीस लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे, ताकि हमारी प्यूरी थोड़ी थिक हो जाए। अब ये राजमा जो उबाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, मसाला भुन चुका है बिल्कुल। और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 15 मिनट तक के लिए धीमी आंच पर। और ये पिसा हुआ राजमा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, चम्मच चला देंगे और इसको ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। जब तक हमारा राजमा थोड़ा सा पकता है, यहाँ पर मैं अपने पनीर के पीसेस कर लेती हूँ। आप चाहें तो पनीर तल के भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे तल के नहीं डाल रही हूँ। इस तरह से चकोर चकोर या किसी भी शेप में आप अपने पनीर के पीसेस कर लेंगे। सारे पनीर के पीस करने के बाद मैंने एक थोड़ा बड़ा टुकड़ा छोड़ा है, ताकि मैं इसको ऐसे ही हाथ से तोड़कर राजमा में ऐड कर दूंगी, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, मैंने अपना पनीर इसमें ऐड कर दिया है, और काफ़ी अच्छा बॉईल आ चुका है राजमा में। अब ये वाला पीस हम ऐसे हाथ से तोड़कर इसमें ऐड कर देंगे। मेरा पनीर थोड़ा सॉफ्ट है, तो मैंने इसे हाथ से आराम से तोड़ दिया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसे कद्दूकस की हेल्प से कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इसे थोड़ी देर पकाएंगे, और साइड में मैं एक तवे पर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ, और उसको हाथों से क्रश करके वो कसूरी मेथी हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है,
एक छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है फ्रेंड्स। और उसके बाद में थोड़ी सी अपनी कसूरी मेथी जो तवे पर हमने की है उसको ऐड कर देंगे तवे पर हल्का सा रोस्ट करके, ताकि वो अच्छी सी करकरारी सी हो जाए। और फिर उसके बाद हमें हाथों से क्रश करके इसे ऐड करनी है। और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ मलाई ऐड की है, घर की फ्रेश जो मलाई होती है। आप चाहें तो अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको ढककर थोड़ी मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थिकनेस आ चुकी है हमारे राजमा में। आप जितना इसको पकाएंगे उतना ही टेस्टी ये लगेगा। कम से कम इसे पकाते हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है, और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा राजमा पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।